हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग पैड। आज हम लोग देखेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का, और कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पहले निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल आप अगर 40 साल का हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको ऐसा कैंडल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जितना टाइम से निफ्टी है उस टाइम से, ठीक है। और मैंने उस दिन कहा था कि जो पीएम अपना या फिर FM है या फिर आपका होम मिनिस्टर है या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन लोगों को मार्केट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लाइक उसके ऊपर अभी बवाल भी मच रहा है, क्योंकि ये सही होता है, लेकिन उन लोगों को करना नहीं चाहिए कि आप खरीद लो 4 तारीख से पहले। हाँ, ये पता है इलेक्शन के टाइम में सब कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्टॉक मार्केट और लाइक पॉलिटिक्स, ये दोनों अलग, एक दोनों अलग सेगमेंट टाइप का है, तो इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों का पैसा लगा हुआ रहता है, तो इसमें लोगों का पैसा से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और लोग लाइक जो लोग नहीं जानते, लाइक रिटेल ट्रेडर जो नए आए हैं लाइक मार्केट में, जो एक्सपीरियंस है वो लोग तो इतना नहीं सुनेगा, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर से वो लोग सुनेंगे उस बात को कि हाँ, किस इतना बड़े इंसान ने कहा तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा उनको। तो ऐसा एक फैक्टर आता है मार्केट में, तो ठीक है, हम लोग उसमें नहीं घुसते कि हाँ ये सही है गलत है या कुछ भी है। और अभी जो एक मार्केट में माहौल चल रहा है कि स्कैम हुआ है, मतलब ये वाला जो कैंडल बना है स्कैम है, लेकिन देखो हाँ, स्कैम है कि नहीं पता नहीं, कि ऐसा कैंडल आपको कभी नहीं मिलेगा, ये वाला कैंडल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इवन किसी भी इंडेक्स में नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आपको किसी भी इंडेक्स में नहीं मिलेगा। क्या होता है, अगर यहाँ पर भी ये मैं मान लेता, यहाँ पर भी अगर एक ये वाला बेयरिश कैंडल था, यहाँ पर और एक ऐसा बेयरिश कैंडल बनाता, ठीक है, थोड़ा बनाता, देन आपका अगर यहाँ पर ऐसा कैंडल बनाता ना, ये वाला कैंडल अगर यहाँ पर बनता, देन मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर बनता तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। ये वाला कैंडल अगर यहाँ से शुरू होके यहाँ पर बनता तब दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट में फॉल आ चुका होता, ठीक है। लेकिन टॉप से ऐसा, मतलब मैं ज़िंदगी में किसी इंडेक्स में नहीं देखा, मैं बहुत इंडेक्स देखा। आप निफ्टी तो जाके देख लो, निफ्टी में नहीं मिलेगा, बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप जाके देख लो, ठीक है। और किसी भी इंडेक्स में आप डाउ जोन्स देख लो, ऐसा आपको टॉप में ऐसा कैंडल नहीं दिखा देगा, जो टॉप में है, ये टॉप में है ना मार्केट, तो टॉप में ऐसा कैंडल दिखाई नहीं देगा। तो ये तो पहली बात है। लेकिन अभी हम लोग को देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, चाहे शायद बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा, मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये अभी 23,550 के ऊपर, मैं थोड़ा और भी ज़्यादा दे रहा हूँ इसको, 550 के ऊपर, थोड़ा लिबर्टी दे रहा हूँ मैं, 23,550 के ऊपर अगर जाता ही है इसी महीना में अगर ये जाता है, फिर भी चलो लास्ट वीक में जाने से मुझे दिक्कत नहीं है, एकदम लास्ट वीक में जाने से, मान लो कि 25-26 तारीख को जा रहा है, देन मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले अगर 23,550 को क्रॉस करता है, दैट मीन्स ये सच में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ये, बट हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग का मतलब जो है अभी यहाँ पर मैनिपुलेशन भयंकर चल रहा है, और उसमें पता होगा कि भी लोग शायद चुप है, क्योंकि देखो लोग बोलेगा कि अरे यहाँ पर आया था, यहाँ पर बाई करना चाहिए था, हाँ रिटेल ने यहाँ पर बाई किया होगा, बहुत कुछ आपका मतलब सुनने की मिलेगा। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बोलो, इस दिन आपने यहाँ पर बाई कर पाया या फिर यहाँ पर बाई कर पाया, कोई कर पाया यहाँ पर बाई, सच में बोलना। और ये मूव में आपने मतलब यहाँ पर भी, मान लो यहाँ पर भी बाय कर पाया, यहाँ पर भी बाय कर पाया, कहीं पर बाय कर पाया आपने, नहीं कर पाया होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पे कोई सेल कर पाया, नहीं कर पाया, तो हुआ गया, मान लो कि यहाँ पर जो न्यूज़ आया कि ठीक है 400 पार, आपकी बार 400 पार जो भी है, तो इससे मार्केट बाउंस किया, तो यहाँ पर रिटेलर क्या था कि खरीदने के लिए मूड में थे, तब यहाँ पर FI या फिर जो भी बड़े बड़े लाइक जो रिटेल इन्वेस्टर है, बड़े बड़े जो है, मान लो जैसे कि झुंझुन वाला, वो तो रिटेल इन्वेस्टर है, लेकिन सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइप का, जैसे वॉरेन बफेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल इन्वेस्टर है, तो वो लोग शायद यहाँ पर बेच रहा होगा कि उन लोगों को बेचने के लिए, या फिर बड़े FIs DIs ये लोग बेच रहा होगा, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो लोग बेच रहा, प्रॉफ फंड ऐसे बेच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए उन लोगों को, तो रिटेलर ऑलरेडी है खरीदने के लिए, वो लोग पूरा खरीदना चाहता है, मतलब उस दिन तो कि हाँ 4 तारीख और भी आने वाला है, तब तो और भी भागेगा, तो ये लोग यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, तो ये लोग बेच के निकला। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब ये गिरा तो लाइक रिटेलर के पास पैसा भी नहीं था शायद खरीदने के लिए, और यहाँ पर वो लोग पैनिक में आके सेल किया, उन लोगों को फिर से लिक्विडिटी मिला,
बाय करने के लिए, क्यों? क्योंकि रिटेलर सेल करने लगे तो उन लोगों को फिर लिक्विडिटी में बाय करने के लिए, तो वो लोग ने क्या किया, टॉप में सेल किया और बॉटम में ऑलमोस्ट बाय कर लिया। तो ये मतलब ऐसा पैटर्न हो सकता है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 23,550 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक ही या फिर 10-15 दिन में, अगले 10-15 दिन में चला जाता है, या फिर एटलीस्ट 2 वीक तक तो रहना चाहिए। अगर ये 2 वीक तक यहाँ पर साइडवेज रह के, साइडवेज नीचे का कोई भी लेवल हो, 500 तक हो या फिर ऐसा रेंज में अगर रहे, ये 550 के इस रेंज में रहे 2 वीक तक, देन ब्रेकआउट दे, देन मुझे दिक्कत नहीं, तब मुझे लगेगा कि हाँ ये रियलिस्टिक है, ये हो सकता है, मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये इसी फ्लो में अगर निकल जाता है, देन तो ये सच में इसमें देखना चाहिए सबको कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, चलो अभी हम लोग बात करते हैं वीकली। वीकली तो कैंडल देख ही लिया, ये ऐसा कैंडल तो नहीं देखा कभी भी, फिर भी तो अभी क्या लग रहा है। अभी देखो, अभी मैं तो बाइंग के साइड में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नहीं मैं नहीं जाऊंगा बाइंग के साइड में। तो मैं जो करूंगा मैं वही बताऊंगा ना, मैं आपको उल्टा बता के मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे सब वो तो मैं जस्ट ऐसे फेंक रहा हूँ ना कि मुझे बाइंग के साइड मुझे जाना नहीं। मार्केट अगर 24,000 भी चला जाए, 25,000 भी चला जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे नहीं जाना। क्यों, यहाँ पर जो लग रहा है मुझे, लाइक इससे फुल ट्रैपिंग लग रहा है, मुझे ट्रैप नहीं लग रहा है, या फिर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अगर 550 के ऊपर जा रहा है तब तो मार्केट में और एक हल्ला मचेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतना मतलब जो भी हो, इलेक्शन, आप इलेक्शन का पहले का भी देख लो जाके, जो भी है, जितना भी बड़ा इवेंट हो, कुछ भी हो, आप ऐसा कैंडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। निफ्टी में तो मिलेगा ही नहीं, बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ आप जाके सारा इंडेक्स देखो, डाउ जोन्स देखो, आप निकेय देखो, कोई भी देखो, फर्क नहीं पड़ता, आप जाके देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा बात सुन लो, आप जाके खुद चेक कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा टॉप में ऐसा कैंडल, कहीं नहीं मिलेगा। परसेंटेज वाइज देख लो, सब कुछ देख लो, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी सेलिंग क्या करना है, देखो यहाँ पर सेलिंग तो आपको मिल सकता है, ये वाला नीचे जो ये वाला 30 मिनट्स में लाया मैंने, तो इसके नीचे सेलिंग मिल सकता है, ठीक है। और ऊपर में अगर हम लोग को कुछ भी एम पैटर्न टाइप का मिलता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हम लोग वहाँ पर एक सेल कर सकते हैं। मुझे तब लग रहा है कि एक सेलिंग यहाँ से आना चाहिए, और ऊपर जाकर अगर एम पैटर्न बनाता है तो सेलिंग आना चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है, जो पैनिक लो बनता है, अगर मान लो पैनिक लो बना भी है, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट स्टैंड से बात कर रहा हूँ, मार्केट में कुछ है ही नहीं, मार्केट में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ना कोई मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं है, मैं इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट में पैनिक बॉटम एक बार के लिए टेस्ट होता है, पैनिक जो बॉटम होता है एक बार के लिए टेस्ट होता है मार्केट में। तो ये धीरे धीरे, लेकिन वो धीरे धीरे होता है, ऐसा वो इतना सडन नहीं होता, धीरे धीरे होगा, एकदम धीरे 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 फॉल करेगा, धीरे 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 फॉल करके ये वाला लो एक बार टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे आके इस लो को टेस्ट करता है, तब वहाँ पर आपको बहुत भयंकर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो जिस जगह पे है, मैं बाइंग के लिए सोचूंगा भी नहीं, मार्केट 24,000 चला जाए, 25,000 चला जाए, ठीक है, मेरा निफ्टी 20 जो है पुराना, वो उसमें जो कमाऊंगा कमाऊंगा, लेकिन मुझे, मैं ना स्टॉक्स बाय करूंगा, ना मैं इंडेक्स में कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे इसके नीचे मैं सेलिंग देखूंगा, या फिर ऊपर अगर कुछ एम पैटर्न बनाता है देन मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए मैं ट्राई करूंगा, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्राई करूंगा। तो हम लोग इंट्राडे में भी सेम रखेंगे, अगर इंट्राडे में थोड़ा शॉर्ट कर लेना, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाना, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ आपका एम पैटर्न टाइप का मिलता है देन आप वहाँ पर सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मैं बाइंग नहीं करूँगा इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अगर कोई बाइंग के लिए बता रहा है तो उनका जाकर देख सकता हूँ, लेकिन मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से आपका हो सकता है एम पैटर्न अगर ऊपर मिले हम लोग को, तो मैं सेल करूंगा, या फिर नीचे इसके नीचे मैं सेल करना पसंद करूंगा। मतलब ये वाला मेरा इसके नीचे हो जाएगा, ये वाला मेरा सेल करने का हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्या करूंगा, अगर इसके नीचे आता है, 900 के नीचे आता है, तो मैं थोड़ा सेलिंग पोजीशन क्रिएट करूंगा। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करके फिर इसको ब्रेक करता है, देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊंगा इसके नीचे आने के बाद ही, क्योंकि इसके इसके ऊपर तो बहुत टाइम रखा ना, ये पहले भी आपका रेजिस्टेंस था, तो इसको अगर इसको तोड़ेगा अभी और यहाँ पर थोड़ा टाइम रहेगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा कर दूंगा और ऊपर थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। देन अगर इसको फिर से ऐसा करके इसको तोड़ता है, ये वाला लेवल को तोड़ता है, देन मैं यहाँ पर एग्रेसिव हो जाऊंगा। और ऊपर में भी मैं ऊपर एम पैटर्न ऐसे देखूंगा, कुछ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा, या फिर 15 मिनट मिनिमम, या फिर 10 मिनट में देखूंगा। मैं 10 मिनट्स टाइम फ्रेम मोस्टली फॉलो करता हूँ, तो 10 मिनट्स में मैं देखूंगा कि उसमें कुछ एम पैटर्न टाइप का बना रहा है कि नहीं। अगर बना रहा होगा तो मैं वहाँ पर सेल करना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये निफ्टी रहा, अभी हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम, लेकिन बैंक निफ्टी देखो उस लेवल तक पहुंचा नहीं, जितना तक निफ्टी पहुंच गया है, निफ्टी ऑलमोस्ट इस लेवल तक पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा लेगार्ड है अभी भी बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी भी इसके नीचे आप लोग का सेलिंग का मिलेगा, 48,800 पकड़ लो, इसके नीचे आपको सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यार ऊपर अगर आपको कुछ एम पैटर्न मिलता है देन सेल मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी ये वाला लेवल क्रॉस नहीं किया, ज़्यादा शार्प सेलिंग आया था,
तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर भी आपको एक मिल जाए, इस जगह पे एक मिल जाए, तब भी आप वहाँ से सेल कर सकते हो। अब देख लेना, देखो अभी अगर सेल करोगे और अगर मार्केट सच में मैनिपुलेशन है तो आपका मतलब स्टॉप लॉस तो मैंडेटेड ऐसे भी है, हमेशा ही है, लेकिन अभी तो आप सिस्टम में लगा के बैठे रहो, क्योंकि इतना वायलेंट मूव हो जाएगा तब। क्योंकि अगर मैनिपुलेशन होगा तो वायलेंट मूव होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन के चक्कर में ये वाला मूव हुआ, अगर हुआ हुआ ना तो ये वाला मूव तो मैनिपुलेशन के चक्कर में हुआ है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग उसमें नहीं जाते, हम लोग जो डिस्कस किया है कि अगर 550 के ऊपर ये चला जाता है अभी, तब हम 23,550 के ऊपर, तो हम लोग सोचेंगे ये मैनिपुलेशन है और इसमें शायद बड़े लोगों को पता होके भी वो लोग चुप बैठे हैं, ऐसा हो सकता है। मैं बड़े लोगों के इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, उन लोगों को पता होके भी वो लोग शायद चुप बैठे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है अगर 550 के ऊपर जाता है तो फिर ये मैनिपुलेशन टाइप का ही है मार्केट। और अगर ये नहीं, ये अगर यहाँ पर ही रहता है 2-3 वीक तो ये जेन्युइन है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये थोड़ा सा वेट मोमेंट मोमेंटम आ गया, इट्स ओके। बट ये 2-3 हफ्ता हुआ यहाँ पर वेट किया, देन बाउंस किया, देन इट्स ओके, देन उसको ब्रेक किया, तब ठीक है। एटलीस्ट 2 हफ्ता तो वेट करना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 हफ्ता, मतलब नेक्स्ट वीक एंड द नेक्स्ट वीक वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो अभी हम लोग मिड कैप निफ्टी का भी एक्सपायरी है मंडे को, उसका देख लेते हैं, उसका एक बार थोड़ा सा चार्ट देख लेते अच्छे से, मिड कैप निफ्टी कैसा दिख रहा है। देखो इसका तो अगर पहले डेली में देख ले, डेली एक बार देखने से पता चल जाएगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, इसमें मुझे जो लग रहा है, ये अगर मान लो मंडे के दिन गैप अप होता है, ठीक है, मंडे के दिन गैप अप होता है, मंडे के दिन अगर ये गैप अप होता है, थोड़ा सा भी ऊपर गैप अप हो, देन हम अगर थोड़ा गैप अप होकर थोड़ा सा जाए तो हम लोगों यहाँ पर से टॉप में शायद मुझे सेलिंग मिल सके। गैप अप हो गया, अगर थोड़ा ऊपर जाए देन मुझे सेलिंग मिल सकता, अगर फ्लैट ओपन होकर भी थोड़ा इसको ब्रेक करे देन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है सेलिंग मिल सकती, ठीक है, मेरा पॉइंट समझ रहा, मतलब अगर फ्लैट हो या गैप अप हो, फ्लैट हो या गैप अप हो, उसके बाद अगर इस जोन को तोड़ के थोड़ा और ऊपर चला जाए, इसको तोड़ के थोड़ा और ऊपर चला जाए, फ्लैट होकर थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, यहाँ पर हम लोग को सेलिंग मिल सकता है। और अगर गैप अप ही होकर फिर से थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, यहाँ पर भी हम लोग को सेलिंग मिल सकता है, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो 60-70% पॉसिबिलिटीज का है कि ऐसा हो सकता है। और अगर गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाएगा ऐसे नेगेटिव होगा, तब आपको थोड़ा सा प्राइसेस में देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा बड़ा गैप डाउन होता है, फ्लैट मतलब वही 20-30 रुपये इधर उधर, उसको फ्लैट बोलते हैं। अगर मान लो अगर मिड कैप के लिए अगर 100 पॉइंट्स टाइप का या फिर 70-80 पॉइंट्स टाइप का गैप डाउन होता है, तो आपको ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। देन थोड़ा प्राइसेशन देखो, 5 मिनट्स में आ जाओ, प्राइसेशन में अगर कुछ भी आपको मिल रहा होगा देन आप वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। तो भी ये मेरे मिड कैप निफ्टी का, क्योंकि आप मुझे जो भी सोचो, मैं बेयर कार्टेल हूँ, जो भी सोचना है सोचो, लेकिन मैं जो जेन्युइन है मैं वो बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं भी बता रहा हूँ कि अभी मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब जो भी है थोड़ा सा कॉशन रहने का वक्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का मूव दे रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और देखेंगे कि हाँ सच में ये क्या कुछ लाइक अंदर की बात है जो हम लोग को नहीं पता था, ये पता नहीं है अभी क्या होगा इसमें, मतलब जांच होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। बट अगर ये 550 के ऊपर चला जाता है, 23,550 के ऊपर नेक्स्ट वीक ही चला जाता है या फिर इसका नेक्स्ट वीक ही चला जाता है, देन तो मैं सोचूंगा कि जांच होना चाहिए सच में। जो भी हो जाए एक बार, उससे पता चलेगा क्या सही है था ना, तो हम लोग का भी मन शांति हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, जो भी है, तो अभी हम लोग अगर कुछ स्टॉक्स देखना है तो कुछ स्टॉक्स भी देख सकते हैं। ये एक है जैसे वेलियंट लेबोरेटरीज, ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं उसको, मैं देखो मैं नीचे मार्क कर दिया, आप इसको थोड़ा सा वॉच कर सकते हो, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इसको आप वॉच कर सकते, इसको भी आप वॉच कर सकते हो, एपकोटेक्स इसको भी आप वॉच कर सकते हो, ये वाला स्टॉक थोड़ा सा देख सकते हो आप, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, मैं वॉच लिस्ट में जो रखना है मैं वो स्टॉक बता रहा हूँ आपको। इस स्टॉक को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, SGL इसको भी रख सकते हो, इसको रखने का जरूरत नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, SGL को आप रख सकते हो, इस स्टॉक को आप थोड़ा सा रडार में रख सकते हो। इसको भी रख सकते हो, हाँ इसको भी रख सकते हो, लेकिन ठीक है इसको रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो। इसको थोड़ा सा नीचे आने से रख सकते हो, ये थोड़ा सा लाइक लास्ट मूव मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये वाला कैंडल थोड़ा सा मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड करो, ये तो बोला ही ऑलरेडी, ये वाला भी थोड़ा रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इससे थोड़ा सा दूर रहने के लिए बोलूंगा, नहीं इसको भी नहीं, इसको रख सकते हो, इन्फोबिन को रख सकते हो, इसमें थोड़ा सा नजर रख सकते हो, GRM ओवर पे भी नजर रख सकते हो, शिवम ऑटो में भी नजर रख सकते हो थोड़ा बहुत,
इसमें नजर रख सकते हो, ये वाला स्टॉक मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, तो इसमें थोड़ा सा नजर रख सकते हो आप, इसमें भी नजर रख सकते हो बिरला मनी, अवंती फीड पे नजर रख सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और आने दो क्योंकि ज्यादा ही हाइपर मूव दे दिया, तो थोड़ा सा इसको नीचे आने के बाद आप इसमें नजर रख सकते हो। राणा इंजन में नजर रख सकते हो, श्रेयस में भी नजर रख सकते हो, ठीक है, प्रिंस पाइप में हाँ नजर थोड़ा बहुत रख सकते हो, इसमें रैलिस में भी नजर रख सकते हो, गणेश हाउसिंग में भी नजर रख सकते हो, थोड़ा बहुत एपेक्स में भी नजर रख सकते हो, ठीक है। आप लोग तो बहुत सारा मिल गया, अभी और अगर चाहिए तो मैं आपको और एक बताता हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा और भी मिल जाएगा। इसमें आप नजर रख सकते हो, पहले पाइप में डोडला में, ठीक है अभी के लिए रख सकते हो एक बार, हाँ रख सकते हो डोडला में रख सकते हो, इसको मत रखो। वी मार्ट में मुझे ज्यादा ठीक है, थोड़ा सा अगर रखना है किसी को, अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो रख सकते हो इसमें, लेकिन मुझे इतना कंफर्ट नहीं देता ये स्टॉक, पता नहीं क्यों। नहीं इसमें नहीं, इसमें रख सकते हो, BST डीलर्स में रख सकते हो, KCP में नहीं, इसको थोड़ा नीचे आने तो उसके बाद ही सोचना, अभी तो एकदम थोड़ा दूर रहो। रेडिको में रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो नजर, सेनको में, ओह शिट, इसमें आप गोदरेज सीपी में नजर रख सकते हो, इसमें भी आप नजर रख सकते हो, LGV में भी आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, हाँ इसमें भी आप नजर रख सकते हो, पापना इंडिया में, हाँ सिक्वेंट में भी आप नजर रख सकते हो, ठीक है ना, इसमें मत रखो, इसमें थोड़ा सा रख सकते हो, इंटरटेक में थोड़ा सा रख सकते हो, सनसेरा में भी थोड़ा नजर रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग को बहुत सारा स्टॉक मिल गया, ऑलमोस्ट 20-25 स्टॉक तो मिल गया होगा जिसमें आप लोग नजर रख सकते हो, तो इसमें नजर रखना। एक वॉच लिस्ट दे दिया मैंने, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैं थोड़ा सा आप जो मेरा जो था मैं ड्रॉइंग दे दिया थोड़ा सा, और आप उसमें रखो इसको, आप थोड़ा सा नजर रखो कि हाँ ये स्टॉक कहाँ मूव कर गया, आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा तब, इसलिए जब मैं स्टॉक नहीं दे रहा था, मैं बस अभी इसलिए वॉच लिस्ट दे रहा हूँ कि इसमें नजर रख सकते हो, मैंने कुछ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा जो भी है पता नहीं, अभी हम लोग के ऊपर ही आता है ना, अगर कुछ होता है तो छोटे लोग को पकड़ता है, बड़े लोगों को पकड़ देने का, वो लोग स्कैम कर भी चला जाएगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वही है। तो जो भी है, तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा हम लोग देख सकते हैं, कि ये आपका निफ्टी में तो जो दिख रहा है मुझे, मैं जो आपको बोला कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये अगर यहाँ से जाएगा ना ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन टाइप का मार्केट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर जाएगा डायरेक्ट तब तो हो गया, इसको अगर अभी वापस हाँ थोड़ा सा स्टेबल होता है, 2-3 हफ्ता रहता है, देन जाता है, देन इट्स ओके, देन एब्सोल्युटली फाइन, कोई इसमें कभी उंगली नहीं उठना चाहिए तब। अब देखते हैं उंगली उठाने का काम करता है मार्केट ना क्या करता है, जो भी है। और बैंक निफ्टी का भी है, बैंक निफ्टी देखो उस लेवल तक नहीं पहुंचा, जहां तक निफ्टी यहाँ उस ऊपर तक पहुंच गया, बैंक निफ्टी उससे बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है, तो थोड़ा सा लगता है कि बस ये IT के लेट थोड़ा सा रैली था, बाकी रैली और बाकी आपका स्टॉक्स जो है ना आपको उतना मतलब नहीं मिलेगा। किसमें सबसे ज्यादा गिरावट आया, PUSI बैंक में, देखो और PUSI बैंक देखो यहाँ से जो गिरा उस दिन, ये आधा भी ऑलमोस्ट कवर नहीं किया, तो PUSI बैंक भी आधा कवर नहीं किया, तो थोड़ा सा तो डेंजर साइन तो है, मतलब अभी भी है, आधा भी कवर नहीं किया, ठीक है। अगर एनर्जी शायद बहुत गिरा, एनर्जी भी कवर नहीं किया, तो ऑटो पता नहीं, ऑटो कब, अब ऑटो तो शिट, अब तो कवर करके ऊपर चला गया, ठीक है। बैंक निफ्टी भी कवर नहीं किया, वहाँ तक गया ही नहीं, एनर्जी भी नहीं किया, फाइनेंस तो वहाँ पर ही है जहाँ पर रहेगा, FMCG उसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया, ठीक है। IT तो उसके ऊपर ही है, बहुत ऊपर है, तो IT शायद मुझे दिया था, और IT का हम लोग ने जो बात भी किया था एक बार, याद है आपको, आप लोग जाके देख लेना, मैंने बात किया था कि इस लेवल पर जब आएगा आपको, तो पहले वाला ही है वो, आप जाके देख लेना वो वीडियो, मैं कहा था कि इस जोन पे आने से बाइंग होगा, यहाँ पर भी बाइंग होगा, इस जोन पे बाइंग होगा, तो देखो यहाँ से आके आपको दिया बाइंग, तो ये होता है आपका कि आपको पता होना चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा। शायद जब मैंने डिस्कस किया था शायद तब IT इस जोन पे कहीं पर था, तब मैं बोला था कि IT यहाँ पर आने से आपको मिलेगा, क्या सॉलिड बाइंग है, यहाँ पर कुछ कितना दिन स्टे भी किया, फिर नीचे आया, मतलब अगर आपने सोचा था 100 रुपीज़ लगाओगे IT में, तो आपका अभी तक 50-60 रुपये तो लग जाना चाहिए था IT में, अगर किसी का नहीं लगा है तब तो पता नहीं वो उसका कुछ तो गड़बड़ है ट्रेडिंग सिस्टम में, अगर किसी का 100 रुपीज़ लगना था तो 50 रुपये लग जाना चाहिए था अभी तक IT में, ठीक है। IT का देख लिया हम लोग ने, और
ये मीडिया भी, मतलब मीडिया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फार्मा भी ऊपर ही है, और पीएसयू बैंक नहीं, आधा भी नहीं पहुंचा, मेटल भी थोड़ा बहुत पहुंच गया, मेटल भी यहाँ से आया, देखो बाइंग वो शार्प वही से बाइंग आया, ठीक है जो भी है। तो आपका रियल्टी भी वहाँ नहीं पहुंचा, प्राइवेट बैंक भी नहीं पहुंचा, ठीक है, हेल्थ केयर ना, हेल्थ केयर तो ऊपर ही है आपका, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ऊपर है, ऑयल एंड गैस भी नहीं पहुंचा, जो मतलब उसके रिगार्डिंग सेलिंग आया ना, मतलब जो उसके रिगार्डिंग सेलिंग आया वो नहीं पहुंचा। हम लोग एक बार थोड़ा सा अदानी देख लेते, अदानी देखने से पता चल जाएगा, अदानी में भी सेलिंग आया था, तो अदानी हम लोग देख लेते, थोड़ा सा अदानी देखने से पता चल जाएगा, अदानी में भी वो बाइंग नहीं आया। अदानी पोर्ट्स देख लेते हैं, अदानी पोर्ट्स में भी वो नहीं आया, तो अभी भी शायद कंसर्न है, जो हम लोग के पास एक मैनेजमेंट हो रहा होगा कि आईटी भाग रहा है, ऑटो भाग रहा है, बाकी थोड़ा सा ऐसा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।